नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है नोइस कलरफिट विजन 2 जो हाल ही में लॉन्च हुई है फ्लिपकार्ट पे। और जब ये लॉन्च हुई थी तब इसकी प्राइस थी 2999 मतलब कि 3000, लेकिन अब इसकी प्राइस है 4499 मतलब कि 4500। तो इतनी प्राइस काफी ज्यादा है इस वॉच के लिए, लेकिन फिर भी अगर ये वॉच आपको 3500 के प्राइस के अंडर में मिलती है तो अच्छी डील है, आप इसे प्रीफर कर सकते हो उतने प्राइस पॉइंट में। लेकिन उसके ऊपर आपको अगर पैसे खर्च करने पड़े तो ये एक और प्राइस डील होगी, काफी एक्सपेंसिव हो जाएगी, लेकिन फिर भी इसके स्पेक्स काफी अच्छे हैं। बात करते हैं इसके मेन स्पेक्स की, तो इसमें है 1.78 इंच का एमोलेड डिस्प्ले, 368x448 पिक्सल रेजोल्यूशन, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी है, SPO2 24/7 हार्ट रेट, स्ट्रेस मेजरमेंट, कॉल और SMS के लिए क्विक रिप्लाई का फीचर भी है, लेकिन वो केवल एंड्रॉइड स्मार्टफोन में ही काम करेगा, आईफोन में काम नहीं करेगा। 30 स्पोर्ट्स मोड है, रिमाइंडर से अलग अलग और कस्टमाइज वॉच फेसेस भी है, IP68 वाटरप्रूफ है मतलब कि पानी में 1.5 मीटर तक आप 30 मिनट के लिए यूज कर सकते हो अपनी वॉच को। हम करने वाले हैं इसका फुल सेटअप, तो हम देखेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको किस तरीके से इसका सेटअप करना है, कौन कौन से फीचर्स और सेटिंग्स आपको मिल जाते हैं इस वॉच में और इसके ऐप में। लेकिन सबसे पहले हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, देखेंगे बॉक्स के अंदर आपको कौन कौन सी चीजें मिलती है। तो बॉक्स में आपको मिलती है इतनी चीजें, यह है नॉइस के स्टिकर्स, वारंटी कैसे एक्टिवेट करना यहां पे दिया गया है, हालांकि आप ऐप में से भी वारंटी को एक्टिवेट कर सकते हो, हम ऐप से ही करेंगे, देखेंगे कैसे करना है। इसके बाद यह है यूजर मैनुअल, मैग्नेटिक चार्जिंग केबल और स्मार्ट वॉच। बात करते हैं चार्जिंग और बैटरी की, तो इसमें है 230 mAh की बैटरी, इसे चार्ज करने के लिए आपको लगेंगे 2 घंटे और आपको मिलेगा 5 से 7 दिन का बैटरी बैकअप, लेकिन अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का यूज करोगे तो आपको मिलेगा 2 से 3 दिन का बैटरी बैकअप। आपको इस तरीके से इसे चार्ज करना है, ये अटैच हो जाता है इस तरीके से, और चार्जिंग करने के लिए आप 5 वोल्ट या 10 वोल्ट का चार्जिंग अडाप्टर यूज कर सकते हो, जितना स्लो चार्जर आप यूज करोगे उतना बेहतर होता है स्मार्ट वॉच के बैटरी लाइफ के लिए। आप अपने PC या लैपटॉप में जो USB पोर्ट होता है उससे भी चार्जिंग कर सकते हो। बात करते हैं इसके फिजिकल ओवरव्यू की, तो राइट साइड में है एक बटन, मेरे हिसाब से ये काफी अंदर दी गई है, थोड़ी एलिवेटेड होनी चाहिए थी बाहर की ओर तो प्रेस करने में काफी अच्छा होता, कभी कभी ये प्रेस होती नहीं है। और फिर जो ये बॉडी है फ्रंट में बैक में पॉली कार्बोनेट की है प्लास्टिक, जो स्ट्रैप्स सिलिकॉन के हैं 22mm के, क्वालिटी काफी अच्छी है। और इसकी स्टाइल आप देखोगे स्ट्रैप्स की तो ये एप्पल वॉच या सैमसंग वॉच की तरह है। बैक में है SPO2 और हार्ट रेट सेंसर, आप इन स्ट्रैप्स को रिमूव भी कर सकते हो, रिमूव करने के लिए आपको इस पिन को नीचे की ओर खींचना है और बाहर करना है, ऐसे इंसर्ट करने के लिए आपको नीचे की पिन को अलाइन करना है होल में और फिर आपको इस पिन को नीचे प्रेस करके होल में इंसर्ट करना है ऊपर की ओर, इस तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हो। अब हम करेंगे इसे स्विच ऑन, स्विच ऑन करने से पहले आप इसे फुल चार्ज कर लीजिए ताकि आपको फर्स्ट टाइम से ही अच्छा बैटरी बैकअप मिले। तो मैंने इसे फुल चार्ज कर लिया है, अब मैं करूंगा इसे स्विच ऑन। स्विच ऑन करने के लिए आपको इस बटन पे लॉन्ग प्रेस करना है, जब आपको लोगो दिखाई देगा तब आपको उंगली रिलीज कर देनी है। वॉच स्विच ऑन हो चुकी है, अब हम करेंगे इसकी पेयरिंग अपने स्मार्टफोन के साथ। इस स्मार्ट वॉच को अपने फोन के साथ पेयर करने के लिए आपको अपने फोन में प्ले स्टोर में जाकर इस ऐप को डाउनलोड करना है जिसका नाम है नॉइस फिट। इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, इसके बाद आपको करना है इसे ओपन, टिक कीजिए, कीजिए एग्री। आप बिना लॉगिन साइन अप किए भी अपने डिवाइस को पेयर कर सकते हो, लेकिन बाद में आपको लॉगिन या साइन अप करना ही पड़ेगा क्योंकि उसके बाद ही आपका डेटा इस ऐप में सेव रहेगा। तो हम करेंगे लॉगिन या साइन अप, अगर आपका अकाउंट है तो लॉगिन करिए, अगर आपका नॉइस का अकाउंट नहीं है तो हम करेंगे साइन अप। आप फेसबुक, गूगल या फिर ईमेल के जरिए साइन अप कर सकते हो, हम करेंगे ईमेल के जरिए। आप यहां पे अपनी इमेज ऐड कर सकते हो, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, आपका पासवर्ड और आपका फोन नंबर एंटर करना है, फिर आपको करना है साइन अप एंड एक्सेप्ट। लेकिन मेरा पहले से अकाउंट है तो मैं करूंगा लॉग इन गूगल के जरिए। इसके बाद आपको करना है पेयर डिवाइस पे टैप While using the app, आपकी वॉच स्विच ऑन होनी चाहिए, अगर स्विच ऑन नहीं है तो स्विच ऑन कीजिए,
लॉन्ग टैप करके फिर यहां पे शो करेगा कलर फिट विजन 2, इस पर टैप कीजिए। कंफर्मेशन मैसेज आएगा, आपको टिक पे टैप करना है, स्टार्ट यूजिंग, वेट करना है, पेयरिंग सक्सेसफुल हो चुका है। फिर आपको करना है गेट स्टार्टेड, और इसके लिए आपको करना है गो टू सेटिंग्स पे टैप, और इसके बारे में हम देखेंगे बाद में। तो यहां पे लिखा गया है नोटिफिकेशन इज डिसेबल्ड, प्लीज क्लिक हियर टू इनेबल। तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन को इनेबल करेंगे, तो इस पर टैप कीजिए, इसे ऑन कीजिए, एस कीजिए, नॉइस फिट को ऑन कीजिए, अलाउ कीजिए, बैक जाइए, वापस ऑन कीजिए, और आपको फिर करना है एसएमएस के लिए भी ऑन, अलाउ कीजिए, कॉल अलर्ट के लिए भी ऑन, अलाउ कीजिए। परमिशंस अलाउ करोगे तभी कॉल और मैसेज शो होंगे आपकी वॉच में। फिर आपको जिस किसी एप्स की नोटिफिकेशन देखनी है आपकी वॉच में, आपको उन एप्स को यहाँ पे इनेबल करना है। यहाँ पे है व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, एफबी मैसेंजर, स्काइप, ट्विटर, फेसबुक, वाइबर, जीमेल, आउटलुक, स्नैपचैट, टेलीग्राम, पिंटरेस्ट, फोनपे, गूगल पे, पेटीएम, नौकरी, इंशोर्ट्स, गूगल न्यूज, ओला, उबर, फ्लिपकार्ट, अमेजोन और व्हाट्सएप बिजनेस। जो ऐप आप यूज करते हो आपको उन्हीं को ऑन करना है, सभी को ऑन नहीं करना है। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी कॉल आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच पे। तो इस तरीके से कॉल शो होता है, कॉन्टैक्ट का नाम या नंबर शो करेगा। इस कॉल को आप यहां से रिजेक्ट कर सकते हो, यहां से आप जो फोन में रिंग बज रही है इस रिंग को आप म्यूट कर सकते हो। आप देख पा रहे हो कॉल हालांकि चल रहा है लेकिन जो रिंगिंग है अब म्यूट हो चुकी है और यहां से कॉल का प्रयोग निकल चुका है। और जो आखिरी ऑप्शन था वो था क्विक रिप्लाई सेंड करने का, तो आपको इस कॉल को कट करना है एक रिप्लाई देकर। तो आपको इस पे टैप करना एरो पे, और आपने जो भी क्विक रिप्लाई सेट किए हैं यहां पे शो करेंगे। आपको जिसे सेट करना है या सेंड करना है उस पर टैप कीजिए, क्विक रिप्लाई सेंड हो जाएगा और कॉल कट हो जाएगा। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी एसएमएस आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच पे। तो एसएमएस रिसीव हो चुका है, इस तरीके से आपको शो करेगा और नीचे में आपको मिलेंगे क्विक रिप्लाई। हालांकि आपको जल्दी से उसे सेंड करना पड़ता है, 2-3 सेकंड के बाद जो मैसेज होता है यहां से डिसअपीयर हो जाता है, फिर आप क्विक रिप्लाई भी सेंड नहीं कर पाओगे। और अगर आपने इसे देखना मिस कर दिया तो आपको स्वाइप डाउन करना है और ये हो मैसेज, आप टैप करके उसे रीड कर सकते हो इस तरीके से। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी व्हाट्सएप मैसेज आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच पे। व्हाट्सएप मैसेज आ चुका है और इसका डिस्प्ले भी ऑन हुआ है, आप देख सकते हो। कभी कभी इसका डिस्प्ले ऑन होता नहीं है व्हाट्सएप के लिए, कभी होता है, वाइब्रेट भी होती है वॉच, तो अच्छी बात है। और अगर आपने देखना मिस कर दिया तो आपको पता है स्वाइप डाउन करना है, और ये है वो मैसेज जो आपने अभी रिसीव किया है। यहां पे आपको शो करेंगी 6-7 लाइन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोफाइल इंफॉर्मेशन की, ये रहा प्रोफाइल इंफॉर्मेशन। आप इस पर टैप करके अपनी जो प्रोफाइल इंफॉर्मेशन है उसे चेंज कर सकते हो। आपको एडिट पे टैप करना है, आप यहां से अपनी फोटो को चेंज कर सकते हो, अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, यूनिट सिस्टम, आपकी हाइट, वेट, आप रोजाना कितने स्टेप चलना चाहते हो, रोजाना कितनी किलो कैलोरी बर्न करना चाहते हो, रोजाना कितने डिस्टेंस कवर करना चाहते हो, आपकी स्टेप लेंथ कितनी है, मतलब जो कदमों की लंबाई आपकी कितनी है, और आप रोजाना कितने घंटे सोना चाहते हो। आप यहां से जब चाहे तब अपनी प्रोफाइल इंफॉर्मेशन चेंज कर सकते हो। चेंज करने के बाद आपको करना है सेव पे टैप, बैक आइए। फिर यहां पे कुछ चीजें हैं जो जरूरी है आपको उसे फॉलो करनी, जैसे कि सबसे पहला है ऐप ऑप्टिमाइजेशन। इसमें आपको करनी पड़ेंगी 3 चीजें। एक तो आपको इसे ओपन करना है रिसेंट एप्स में और ऐप इन्फो में जाना है। सबसे पहले लोकेशन जो इंफॉर्मेशन है या परमिशन है, परमिशन पे टैप कीजिए, लोकेशन पे टैप कीजिए। इसके बाद आपको करना है अलाउ ऑल द टाइम। इसके बाद आपको जाना है बैक मेन पेज पे बैटरी में, बैटरी पे आपको करना है अनरिस्ट्रिक्टेड, मतलब कि जो ऐप होगा बिना किसी बैटरी रेस्ट्रिक्शन के बैकग्राउंड में वर्क करेगा। इसके बाद आपको रिसेंट ऐप्स में इसी ऐप को ओपन करना है, इस पर टैप करना है और करना है लॉक दिस ऐप। तो आपने इस ऐप को लॉक कर दिया, मतलब कि जो ऐप होगा अब रिसेंट ऐप्स में से बैकग्राउंड में से कभी भी क्लियर नहीं होगा। इसके बाद है हेल्प एंड ट्रबल शूट। तो अगर आप कोई भी इश्यू फेस करते हो जैसे कि पेयरिंग एंड कनेक्टिविटी,
डेटा सिंकिंग, नोटिफिकेशन, ऐसे इश्यू अगर आप फेस करते हो तो आपको फिर क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन दिए गए हैं। आप इन प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो अपनी इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। इसके बाद है फिर वारंटी रजिस्ट्रेशन। तो आपको वारंटी को अगर ऑनलाइन रजिस्टर करना हुआ तो आप यहां से कर सकते हो। आपको टैप करना है यहां पे और वेयर डिड यू बाय फ्रॉम, मतलब आपने इस वॉच को कहां से परचेस किया है। तो मैंने किया है फ्लिपकार्ट से, मैं करूंगा फ्लिपकार्ट। और सीरियल नंबर आपको यहां पे एंटर करना है आपकी वॉच का, जो भी सीरियल नंबर होगा वो। अगर आपको नहीं पता तो आप बॉक्स में देख सकते हो, ये रहा SW लिखा हुआ है, ये है सीरियल नंबर। तो आपको स्कैन करना है। स्कैन करने के लिए आपको बारकोड स्कैन आइकन पर टैप करना है, फिर आपको इस कोड को स्कैन करना है। स्कैन कीजिए और फिर यहां पे जो कोड होगा एंटर हो जाएगा। आप देख सकते हो यहां पे एंटर हो चुका है। फिर इसके बाद आपको करना है सबमिट। तो इस वॉच की वारंटी एक्टिवेट हो चुकी है। अब बात करते हैं वॉच फेस की, किस तरीके से आपको वॉच फेस को चेंज करना है। तो वॉच फेस को चेंज करने के लिए आपको वॉच फेस के टैब पे टैप करना है और आपको मिलेंगे अलग अलग कैटेगरीज, जैसे कि इलुस्ट्रेशन, क्रोनोग्राफ, मिनिमल एनालॉग, एब्स्ट्रैक्ट, ज्योमेट्री, स्पेस, स्पोर्ट्स, टेक, नेचर, मिनिमल, डिजिटल, जोडियाक, प्राइड, कैलकुलेटर, स्ट्रैप्स एंड डॉट्स, इंडिपेंडेंस डे, कोविड, नेशनल फ्लैग। आपको जिस कैटेगरी में से वॉच फेस को डाउनलोड करना है आपको उस कैटेगरी के मोर पे टैप करना है। यहां पे आपको मिलेंगे टोटल 110 वॉच फेसेस। तो मान लो मुझे यहां से डाउनलोड करना है इस वॉच फेस को, तो मैं इस पे टैप करूंगा और करूंगा अपडेट वॉच फेस। तो जो वॉच फेस हमने डाउनलोड किया था अब वो अप्लाई हो चुका है, आप देख सकते हो। तो ये है वॉच फेस जो हमने डाउनलोड करके अप्लाई किया है। इसके अलावा आप अपनी खुद के फोटो भी सेट कर सकते हो। अगर आपको अपनी खुद की फोटो सेट करनी है वॉच फेस पे तो आपको जाना है बैक और जो कस्टम है इसमें आपको लेट्स गो पे टैप करना है। आपको मिलेंगे तीन स्टाइल। सबसे पहले स्टाइल में टाइम टॉप में होगा, टाइम बॉटम में और टाइम लेफ्ट कॉर्नर में। तो मान लो मुझे ये वाली स्टाइल चाहिए टाइम बॉटम में शो करे, तो मैं इस पर टैप करूंगा। गैलरी पे टैप करके आपको अपनी फोटो को चूज करना है। मान लो मुझे इस फोटो को चूज करना है तो मैं इस पर टैप करूंगा। आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो अपने हिसाब से, यहां से रोटेट भी कर सकते हो और फिर आपको करना है टिक पे टैप। फिर ये जो टाइम का कलर है या जो फॉन्ट का कलर है आप यहां से चेंज कर सकते हो। मान लो मुझे करना ये वाला येलो, फिर उसके बाद आपको करना है अपडेट फेस पे टैप। तो इस तरीके से आप अपनी किसी भी फोटो को सेट कर सकते हो आपकी वॉच के वॉच फेस पे। आप देख पा रहे हो इस तरीके से यहां पे शो करता है वॉच फेस। अब वॉच के सेटिंग्स को एक्सेस करने के लिए आपको कनेक्टेड डिवाइस पे टैप करना है। अगर आपकी वॉच में अपडेट अवेलेबल होगा तो यहां पे शो करेगा, आपको चेक फॉर अपडेट्स पे टैप करना है। और अगर अवेलेबल होगा तो आप यहां से उसे डाउनलोड कर सकते हो। अब बात करते हैं सेटिंग्स की। सबसे पहले है नोटिफिकेशन एंड अलर्ट्स, जो हम ऑलरेडी इनेबल कर चुके हैं। इसके बाद है आइडल अलर्ट, मतलब कि सिलेंडरी अलर्ट। अगर आप एक घंटे के लिए बिना किसी एक्टिविटी के ऐसे ही बैठे हुए हो आइडली, तो आपको आएगा आइडल अलर्ट कि अब आपको चलना चाहिए, उठना चाहिए। तो ये आप यहां से ऑन कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट फ्रीक्वेंसी एक घंटे की होती है, आप इसे चेंज भी कर सकते हो। मान लो मैंने किया है दो घंटे, तो अगर मैं दो घंटे के लिए बिना किसी एक्टिविटी के ऐसे ही बैठे हुए हूं एक जगह पे, तो मुझे आएगा आइडल अलर्ट हर दो घंटे में। और आपको यहां पे टाइम भी सेट करना पड़ता है। जो टाइम आप सेट करोगे, मान लो मैंने स्टार्ट किया है 9 से और एंड किया है रात के 11 बजे, तो जो टाइम मैंने यहां पे सेट किया है उस टाइम के दौरान ही ये जो फ्रीक्वेंसी है या जो ये फीचर है काम करेगा। उस टाइम के अलावा ये फीचर काम नहीं करेगा, फिर आपको करना है अपडेट। इसके बाद है डू नॉट डिस्टर्ब मोड, तो आप यहां से इसे ऑन कर सकते हो। ऑन करोगे मतलब कि आपकी वॉच में कोई भी वाइब्रेशन नहीं होगा और कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगी। फिर है ऑटो हार्ट रेट मॉनिटर, तो आप हार्ट रेट को ऑटो पे सेट कर सकते हो। आपको इसे ऑन करना है। ऑटो पे करोगे मतलब कि हार्ट रेट अपनी वॉच में ऑटोमेटिक मेजर होता रहेगा और इससे बैटरी भी ज्यादा यूज होगी। और आप यहाँ पे जो अलर्ट वैल्यू है उसे भी सेट कर सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पे सेट किया है 150, तो अगर मेरा हार्ट रेट कभी 150 पे पहुंचता है तो मुझे आएगा हार्ट रेट अलर्ट, लेकिन मैं इसे यूज नहीं करूंगा क्योंकि इससे बैटरी ज्यादा यूज होती है। मैं इसे ऑफ करूंगा, फिर मैं जब चाहे तब अपनी वॉच में से मैन्युअली हार्ट रेट को मेजर कर सकता हूं। फिर है गूगल फिट, तो आपको इस ऐप का
जो डेटा है, जैसे कि स्टेप्स, किलो कैलोरी, डिस्टेंस, उसे अगर आपको सिंक करना हुआ गूगल फिट में तो आप इसे ऑन कर सकते हो, तो जो डेटा होगा आपका सिंक हो जाएगा, दोनों ऐप में आप अपना डेटा देख सकते हो। फिर है रैपिड आई मूवमेंट, तो अगर आप सोते हुए रैम को मेजर करना चाहते हो रैपिड आई मूवमेंट को, तो आप इसे ऑन कर सकते हो। जब भी आप सोते हुए अपनी वॉच को पहनोगे तो जो रैपिड आई मूवमेंट होगा वो भी मेजर होगा, मतलब कितने टाइम के लिए आपकी आंखें मूव कर रही थी यहां से वहां। जब आप सपने देखते हो, जब आप सब कॉन्शियस माइंड में होते हो, तब ऐसा होता है। फिर है ड्रिंक वाटर रिमाइंडर, तो आप पानी पीने का जो रिमाइंडर है उसे भी सेट कर सकते हो। आपको इसे ऑन करना है, हर कितने घंटे बाद आपको रिमाइंडर चाहिए पानी पीने का, तो मान लो मैंने किया है 2 घंटे, तो 2 घंटे पे आपको टैप करना है और टाइम यहाँ पे आपको सेट करना है। जो टाइम आप सेट करोगे उस टाइम के दौरान ये जो रिमाइंडर है काम करेगा, तो सुबह के 10 से लेकर रात के 10 बजे तक मुझे हर 2 घंटे पानी पीने का रिमाइंडर आएगा, फिर मैं करूंगा अपडेट सेव करने के लिए। इसके बाद है मील रिमाइंडर, खाना खाने के लिए रिमाइंडर, उसे भी आप सेट कर सकते हो, तो आपको टैप करना है, इसे ऑन करना है, हर कितने घंटे बाद आपको खाना खाना होता है। तो मान लो मैंने किया है यहाँ पे 4 घंटे, मैं करूंगा 4 आवर पे टैप, और जो मैंने यहाँ पे टाइम सेट किया है, मान लो मैंने किया है 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, तो सुबह के 8 से लेकर रात के 10 बजे तक हर 4 घंटे के बाद मुझे आएगा मील रिमाइंडर खाना खाने के लिए, फिर मैं करूंगा अपडेट सेव करने के लिए। फिर है मेडिसिन रिमाइंडर, तो दवाई लेने का भी रिमाइंडर यहाँ पे है, तो अगर आप उनमें से जो रोज दवाई लेते हैं तो आपको इसे ऑन करना है, हर कितने घंटे के बाद आपको दवाई लेनी होती है, तो आप यहाँ पे 8 घंटे 12 घंटे भी रख सकते हो। मान लो मैंने किया है 12 घंटे, तो हर 12 घंटे के बाद मुझे आएगा रिमाइंडर दवाई लेने के लिए, और आप यहाँ पे जो अपना टाइम है वो भी सेट कर सकते हो, जो टाइम आपने सेट किया है उसी टाइम के दौरान ये रिमाइंडर काम करेगा, फिर आपको करना है अपडेट। फिर है सेट डिवाइस टाइम, तो आप 3 तरीके से आपकी वॉच में टाइम को सेट कर सकते हो। एक तो होता है सिंक डिवाइस टाइम, मतलब जो आपके फोन में टाइम शो कर रहा है सेम वही टाइम आपको आपकी वॉच में भी शो करेगा, लेकिन अगर आप टाइम फॉर्मेट पे टैप करोगे तो यहाँ पे मिलेंगे आपको 2 फॉर्मेट, 12 आवर, 24 आवर। आपको जिस फॉर्मेट पे सिलेक्शन करना है उस फॉर्मेट पे आपको टैप करना है, तो मैंने किया 24 आवर, तो मेरा टाइम जो है वॉच में 24 आवर फॉर्मेट में शो होगा। फिर है कैमरा शटर, तो आप अपनी वॉच में यहाँ से कैमरा शटर को ऑन कर सकते हो, व्हाइल यूजिंग द ऐप कीजिए, अलाउ कीजिए, ये रहा। फिर आपको शेक करना है अपनी वॉच को, शेक करने के बाद फोटो कैप्चर हो जाएगी, आप देख सकते हो। यहाँ से आप जो कैमरा है उससे रोटेट भी कर सकते हो, बैक जाइए। फिर है फाइंड डिवाइस, अगर आप इस पर टैप करोगे तो आपकी वॉच का जो डिस्प्ले होगा ऑन हो जाएगा और आपकी वॉच 3 बार वाइब्रेट करेगी, टैप कीजिए, आप देख सकते हो। तो अगर पास में कहीं पे आपकी वॉच पड़ी हो तो आप इस ऑप्शन का यूज करके आपकी वॉच को ढूंढ सकते हो। इसके बाद है वेदर सेटिंग्स, तो आपको इसे ऑन करना है, ऑटोमेटिक लोकेशन आपका यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, और जो टेम्परेचर यूनिट है आपको सेल्सियस रखना है, तो आपकी वॉच में आज का और अगले 4 दिन का वेदर शो करेगा। फिर है माय अलार्म्स, तो आप यहाँ पे एक साथ 5 अलार्म को ऐड कर सकते हो, आपको ऐड न्यू पे टैप करना है, टाइम सेट करना है, एम पी एम सिलेक्ट करना है, कौन से दिन के लिए आपको अलार्म प्ले करना है उस पर टैप करना है, ब्लू में मतलब उस दिन को अलार्म प्ले होगा, फिर आपको करना है सेव अलार्म, और अगर आपको इन्हें डिलीट करना हुआ तो लॉन्ग टैप कीजिए और आप यहां से टिक करके उसे रिमूव भी कर सकते हो। जो भी आप अलार्म ऐड करोगे आपकी वॉच में भी शो करेगा। फिर है हैंड वॉश, तो हाथ धोने का रिमाइंडर भी आप सेट कर सकते हो, आपको टैप करना है, इसे ऑन करना है, हर कितने घंटे बाद आपको हाथ धोने का रिमाइंडर चाहिए तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। मान लो मुझे चाहिए 2 घंटे के बाद, तो 2 आवर पे टैप करूंगा, और कितने बजे से लेकर सुबह के 8 से लेकर रात के 11 बजे तक, तो इस टाइम के दौरान हर 2 घंटे के बाद मुझे आएगा हैंड वॉश रिमाइंडर, अपडेट पे टैप कीजिए सेव करने के लिए। फिर है माय रिमाइंडर्स, तो अगर आप किसी भी इवेंट को ऐड करना चाहते हो रिमाइंडर की तरह, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, किसी का बर्थडे, एनिवर्सरी, मीटिंग या ऐसा कोई भी दिन जो आप भूलना नहीं चाहते, तो आप यहाँ पे उसे सेव करके रख सकते हो। आपको टैप करना है, आप एक साथ यहाँ पे 5 रिमाइंडर को ऐड कर सकते हो, आपको ऐड न्यू पे टैप करना है, लेबल देना है, जैसे कि यहाँ पे बर्थडे, तो बर्थडे जो बर्थडे है कौन से दिन को है, आपको डेट यहाँ पे चूज करनी है, फिर टाइम कौन से टाइम को आपको चाहिए रिमाइंडर, और फिर आपको करना है सेव पे टैप। तो आपने इस तरीके से रिमाइंडर ऐड कर लिया है, तो ये डेट और टाइम जब आएगा तब आपको रिमाइंडर मिलेगा आपकी वॉच में। फिर है क्विक रिप्लाई, तो अगर आप एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूज करते हो तो आपको SMS और कॉल के लिए क्विक रिप्लाई का फीचर मिलेगा, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट होते हैं 5 क्विक रिप्लाई,
हालांकि आप एक साथ पांच ही ऐड कर सकते हो मैक्सिमम, लेकिन आप इन्हें एडिट कर सकते हो। अगर आपको इनमें से किसी को निकाल के अपना खुद का कोई ऐड करना हुआ तो आप वो भी कर सकते हो। आपको एडिट पे टैप करना है, आप थ्री बार पे लॉन्ग टैप करके इन्हें ऊपर नीचे भी कर सकते हो इस तरीके से। और अगर आपको किसी को निकालना हुआ तो माइनस के साइन पर टैप कीजिए, वो रिमूव हो जाएगा। और अगर आपको ऐड करना हुआ तो ऐड पर टैप कीजिए, और यहाँ पे आप अपना खुद का कोई भी जो क्विक रिप्लाई है उससे ऐड कर सकते हो। मान लो मुझे करना है डोंट कॉल मी, यू कैन मैसेज मी, सेव करूंगा। इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। फिर आपको करना है डन पे टैप। तो इस तरीके से आप अपने जो क्विक रिप्लाई है उसे कस्टमाइज कर सकते हो। फिर है अनपेयर डिवाइस करने का ऑप्शन। तो ये आप तीन केस में कर सकते हो। पहला, जब आप अपने वॉच को यूज नहीं करना चाहते। दूसरा, आप अपनी वॉच में अगर कोई इश्यू फेस कर रहे हो। तीसरा, अगर आपको कोई दूसरी वॉच को पेयर करना आपके फोन के साथ, तब आप अनपेड डिवाइस कर सकते हो। अब बात करते हैं समरी पेज की। तो जैसे आप टैप करोगे समरी पेज पे, तो यहां पे अगर आप टैप करोगे डिस्टेंस पे, तो आज आपने कितना डिस्टेंस कवर किया यहां पे शो करता है। स्टेप्स आप कितने चले हो, कितना आपका गोल था, कितने आपने कवर किए हैं, और किलो कैलोरी आपने कितनी बर्न की है यहां पे शो करता है। फिर आपको अगर डिटेल में जानना हुआ सभी चीजों को, तो यहां पे आप जान सकते हो। सबसे पहले है स्टेप काउंट, तो टैप कीजिए। ये है आज का डेटा, आज आप कितने स्टेप चले हो, कितनी किलो कैलोरी आपने एनर्जी बर्न की है, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है। और आप ग्राफ पे टैप करके चेक कर सकते हो कितने बजे आपने कितने स्टेप चले थे। ये है आज का डेटा डे वाइज। आप वीक वाइज, मंथ वाइज और ईयर वाइज भी चेक कर सकते हो। अगर आपको ईयर, मंथ, वीक, डे को चेंज करना हुआ, तो आपको यहां पे टैप करना है, और यहां से आप उस टाइम को चेंज करके किसी भी टाइम पे टैप करके उस दिन का या उस मंथ का रिकॉर्ड चेक कर सकते हो इस तरीके से। फिर है स्लीप आवर्स। तो अगर आप सोते हुए अपनी वॉच को पहनोगे तो आपका जो स्लीप डेटा होगा वो रिकॉर्ड होगा। आप टैप कीजिए। तो ये है आज का डेटा, कितने घंटे आप सोए थे, कितने बजे आपको नींद लगी, कितने बजे आप जागे। इसके अलावा डीप स्लीप, लाइट स्लीप, अवेक टाइम और रेम कितने टाइम का था। रेम का मतलब होता है रैपिड आई मूवमेंट। जब आप सोते हो, सपने देखते हो, तब आप सबकॉन्शियस माइंड में होते हो, तब आपकी आंखें यहां से वहां मूव करती है, उसे कहते हैं रेम। तो टाइम भी यहां पे रिकॉर्ड होता है अगर आपने इनेबल किया होगा तो। इसके अलावा आपको ग्राफ वाइज भी शो करता है कि कितने टाइम के लिए आपने कौन सी स्लीप ली थी। इसके अलावा आपका स्लीप स्कोर कितना है और ब्रीदिंग क्वालिटी, ये तभी शो करेगा जब आपने ऑटो हार्ट रेट को ऑन रखा होगा। इसके अलावा पाई चार्ट में शो करता है कि डीप स्लीप, लाइट स्लीप, अवेक, रेम टाइम कितने परसेंट के लिए है, और आपकी डीप स्लीप कितने परसेंट है, और वो एवरेज है कि हाई है या लो है, यहां पे शो करता है। ये है डे वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज और ईयर वाइज आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। अगर आपको किसी भी दिन का रिकॉर्ड चेक करना हुआ तो आपको यहाँ पे टैप करना है। आप किसी भी दिन पे टैप करके उस दिन का रिकॉर्ड चेक कर सकते हो इस तरीके से। फिर है डिस्टेंस, तो आप टैप कीजिए। ये है आज का डेटा, आज आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है किलोमीटर में, कितनी किलो कैलोरी एनर्जी बर्न की है, कितने स्टेप्स आपने कवर की है। आप ग्राफ पे टैप करके चेक कर सकते हो कितने बजे आपने कितना डिस्टेंस कवर किया था। इसके अलावा ये है डे वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज, ईयर वाइज। अगर आपको किसी भी दिन को चेंज करके उसका रिकॉर्ड चेक करना हुआ तो आपको इस पे टैप करके उस दिन पे टैप करना है, और आपको उस दिन का रिकॉर्ड मिल जाएगा इस तरीके से। फिर है हार्ट रेट, तो लास्ट टाइम आपने मेजर किया था कितना था, और आज का डेली एवरेज कितना है यहाँ पे शो करता है। टैप कीजिए। तो आज का एवरेज, मिनिमम और मैक्सिमम कितना रहा था हार्ट रेट, और यहाँ पे ग्राफ वाइज भी शो करता है। ग्राफ पे टैप करके आप चेक कर सकते हो कितने बजे आपका हार्ट रेट कितना मेजर हुआ था। इसके अलावा आपने आज जितनी बार भी मेजर किया होगा तो आपने कितने बजे मेजर किया था, कितना आया था रिजल्ट, यहाँ पे शो करता है। तो ये है डे वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज और ईयर वाइज। अगर आपको किसी भी दिन को चेंज करके उस दिन का रिकॉर्ड चेक करना हुआ तो आपको यहाँ पे टैप करना है, और आप उस दिन को चेंज करके उस दिन का रिकॉर्ड चेक कर सकते हो इस तरीके से। फिर है स्ट्रेस काउंट, तो आपने अगर अपनी वॉच में स्ट्रेस को मेजर किया होगा, मतलब तनाव को, तो यहाँ पे शो करता है लास्ट टाइम आपने मेजर किया था कितना आया था, और आज का एवरेज कितना है। टैप कीजिए। आज का लास्ट टाइम कितना था, मिनिमम मैक्सिमम कितना रहा था। ग्राफ पे टैप करके आप चेक कर सकते हो कितने बजे आपने कितना मेजर किया था। नॉर्मली 60 के नीचे होना चाहिए, अगर 60 के ऊपर है मतलब कि आपको तनाव है। और आपने जितनी भी बार मेजर किया था आज, यहाँ पे शो करता है कितने बजे आपने मेजर किया था और कितना आया था। ये है डे वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज, ईयर वाइज। अगर आपको किसी भी दिन को चेंज करके उस दिन का रिकॉर्ड चेक करना हुआ तो आपको इस पे टैप करना है, और आप दिन को चेंज करके इस तरीके से उस दिन का रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। फिर है ब्लड ऑक्सीजन, तो आपने लास्ट टाइम मेजर किया था कितना आया था, और आज का डेली एवरेज कितना है यहाँ पे शो करता है। टैप कीजिए। इसे हम SpO2 भी कहते हैं। नॉर्मली 95 या उसके ऊपर होना चाहिए। तो ये है आज का डेटा,
आज एवरेज कितना है, मिनिमम कितना रहा था, मैक्सिमम कितना रहा था, ग्राफ पे टैप करके आप चेक कर सकते हो कितनी बजे कितना आया था, और आपने आज जितनी भी बार मेजर किया था कितने बजे आपने मेजर किया था और कितना रिजल्ट आया था आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये है डे वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज और ईयर वाइज। अगर आपको किसी भी दिन का रिकॉर्ड चेक करना हुआ तो आपको टुडे पे टैप करना है और किसी भी दिन पे टैप करके उस दिन का रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हो इस तरीके से। फिर है रिसेंट ट्रॉफीज, तो आपने अगर कोई भी अपना गोल अचीव किया होगा तो जो ट्रॉफीज है आपको यहाँ पे शो करेंगी। इसके अलावा आपने जो भी बडीज को ऐड किया है उन बडीज का डेटा यहाँ पे आपको शो करेगा, और आपने जो भी लास्ट टाइम वर्कआउट किया है उसका डेटा यहाँ पे शो करता है। लेकिन अगर आपको सभी वर्कआउट को एक साथ चेक करना हुआ, आपने पहले से लेकर अब तक जितने भी वर्कआउट किए हैं, तो आपको एक्टिविटी टैब पे टैप करना है और आपने जितनी भी बार की है वर्कआउट पहले से लेकर अब तक, ये सारे यहाँ पे शो करेंगे। अगर आपको किसी भी डेटा को चेक करना हुआ डिटेल में, तो आपको उस पर टैप करना है, तो कौन सा वर्कआउट था, कितनी तारीख को कितने बजे आपने किया था, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया था, कितने टाइम के लिए आपने किया था, एवरेज पेस आपका कितना था। पेस मतलब अगर आप 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करोगे तो कितना टाइम लगेगा, मतलब कितना मिनट लगेगा, यह है मिनट और सेकंड। एवरेज स्पीड आपकी कितनी थी, 1 घंटे में आपने कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, उसे कहते हैं स्पीड। एवरेज कैडेंस मतलब 1 मिनट में आप कितने स्टेप्स चलते हो और आपके टोटल स्टेप्स इस वर्कआउट के दौरान, और आपका मैप, आपका जो रूट था इस वर्कआउट का वो कैसा था, आपका हार्ट रेट हर मिनट के हिसाब से कैसा चेंज हुआ था, एवरेज कितना रहा था, मैक्सिमम कितना पहुंचा था और मिनिमम कितना रहा था। हार्ट रेट यहाँ पे शो करता है वर्कआउट के दौरान। इसके अलावा आपका हार्ट रेट कौन से जोन में था, कितने टाइम के लिए था, यहाँ पे शो करता है, और हर मिनट के हिसाब से कैलोरी आपने कितनी बर्न की थी यहाँ पे शो करता है। और आप इस डेटा को शेयर भी कर सकते हो, शेयर पे टैप कीजिए, आप चाहो तो जो बैकग्राउंड है उसे चेंज कर सकते हो इस फोटो को, और फिर आप इसे सेव भी कर सकते हो, या फिर आप इसे डायरेक्ट यहाँ से शेयर भी कर सकते हो। इस वॉच में आपको मिलती है एक बटन जिसके है 3 काम। अगर आप होम पेज पे हो, ऐसे में अगर आपने इस पे प्रेस किया तो आप मेन मेनू को एक्सेस कर सकते हो इस तरीके से। अगर आप किसी भी मेनू में एंटर करते हो और अगर आप वहां से बैक आना चाहते हो स्टेप बाय स्टेप, तो आपको इस बटन पे प्रेस करना है, आप स्टेप बाय स्टेप बैक आ सकते हो। और अगर आप इस बटन पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो आप अपनी वॉच को स्विच ऑफ, रिस्टार्ट या फिर रिसेट कर सकते हो इस तरीके से। बैक आने का और एक तरीका है, अगर आपको बटन का यूज नहीं करना हुआ तो आप स्वाइप करके, आपको राइट स्वाइप करना है इस तरीके से, आप इस तरीके से बैक आ सकते हो। और अगर आपको इस स्क्रीन को ऑफ करना हुआ तो आपको पाम से कवर करना है, स्क्रीन जो होगी ऑफ हो जाएगी इस तरीके से। होम पेज पे अगर आप स्वाइप डाउन करोगे तो आपको मिलेगा नोटिफिकेशन सेंटर, आप यहाँ पे अपने एक साथ 10 लेटेस्ट नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हो। आपको जिसे रीड करना है आपको उस पर टैप करना है, आप उस मैसेज को रीड कर सकते हो इस तरीके से। और अगर आपको किसी भी मैसेज को डिलीट करना हुआ तो आपको उसे ओपन करके करना है क्लियर, और अगर आपको एक साथ सभी को क्लियर करना हुआ तो ऊपर मिलेगा आपको ऑप्शन क्लियर ऑल का, इस पर टैप करोगे तो सभी मैसेज एक साथ क्लियर हो जाएंगे। हिंदी फॉन्ट सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जो पॉपुलर इमोजीज है यहाँ पे शो करती है मैसेज में। होम पेज पे होते हुए अगर आपने स्वाइप अप किया तो आपको मिलेगा कंट्रोल सेंटर, बैटरी परसेंट यहाँ पे शो करता है कितना टाइम हुआ है, और सबसे पहला है पावर सेविंग मोड। अगर आप इसे ऑन करोगे तो आपकी वॉच में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगी और ब्राइटनेस सबसे कम हो जाएगी 1 लेवल पे। फिर है फाइंड माय फोन का फीचर, तो इस पे टैप करके आप अपने फोन में रिंग कर सकते हो, मतलब कि आप अपने फोन को ढूंढ सकते हो। आपका फोन अगर साइलेंट पे भी हुआ फिर भी आपके फोन में रिंग बजेगी स्टॉप करने के लिए, टैप कीजिए स्टॉप पे, तो ये काफी काम में आएगा। जब आपने अपने फोन को कहीं पे रख दिया है लेकिन आपको मिल नहीं रहा है तो आप अपने फोन को ढूंढने के लिए इसका यूज कर सकते हो, लेकिन ये तभी काम करेगा जब दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे तब, मतलब कि 10 मीटर के रेंज में। फिर है ब्राइटनेस का ऑप्शन, तो आप यहाँ पे ब्राइटनेस को 5 लेवल तक सेट कर सकते हो, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5। फिर है D&D डू नॉट डिस्टर्ब मोड, अगर आप इसे ऑन करोगे तो आपकी वॉच में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगी और कोई भी वाइब्रेशन नहीं होगा। फिर है फ्लैश लाइट, तो आप यहां से ऑन कर सकते हो, टैप कीजिए ऑफ करने के लिए, इस तरीके से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। और फिर है सेटिंग्स, तो टैप कीजिए, ये है सेटिंग्स के ऑप्शन। सबसे पहला ब्राइटनेस, तो आप यहां से भी ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हो इस तरीके से। फिर है वाइब्रेशन का ऑप्शन, तो आप यहां से वाइब्रेशन की इंटेंसिटी को चेंज कर सकते हो, लेवल 1, 2 और 3। 1 मतलब हल्का सा वाइब्रेशन, 2 मतलब मीडियम और 3 मतलब स्ट्रॉन्ग, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी वाला वाइब्रेशन 3 लेवल पे।
फिर है डीएनडी, यहां से भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो। यहां से आप ऑन ऑफ करोगे तो आप जो ड्यूरेशन है उसे भी सेट कर सकते हो, मतलब जो टाइम आप यहां पे सेट करोगे स्टार्ट टाइम एंड टाइम उसी टाइम के दौरान डीएनडी वर्क करेगा। लेकिन अगर आपको स्मार्ट डीएनडी यूज करना हुआ, स्मार्ट डीएनडी अगर आप ऑन करोगे तो आप जब अपनी वॉच को हथेली में से निकाल दोगे तब स्मार्ट डीएनडी अपने आप ऑन होगा, मतलब कि आपकी वॉच में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगी और कोई भी वाइब्रेशन नहीं होगा। फिर है रिस्ट अवेक, तो जब भी आप अपनी हथेली को ऊपर उठाओगे तो डिस्प्ले इसका ऑन हो जाएगा। जैसे कि अभी ऑन है तो मान लो डिस्प्ले अब इसका ऑफ है, ठीक है। तो मान लो अगर मैंने इसे ऊपर उठाया डिस्प्ले इसका ऑन हो जाएगा, इसे कहते हैं रेस्ट टू वेक। तो आप इसे ऑन या ऑफ कर सकते हो। इसके अलावा डिस्प्ले कितने सेकंड के लिए ऑन रहना चाहिए, तो आप यहां पे 5, 10, 15, 20, 25, 30 सेकंड तक मैक्सिमम रख सकते हो। मतलब कि अब मैंने मान लो किया है 5 सेकंड, डिस्प्ले इसका 5 सेकंड तक ही ऑन रहेगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहो तो इसे मैक्सिमम 30 सेकंड भी कर सकते हो। अगर आपको बैटरी सेव करनी है तो आप 10 या 15 सेकंड पे सेट कर सकते हो। इसके बाद है ऑटो स्पॉट डिटेक्शन, तो अगर आप इसे ऑन करोगे तो अगर आप वॉकिंग करते हो, रनिंग करते हो, तो अपने आप आपकी वॉच में रनिंग और वॉकिंग का जो वर्कआउट है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको ऐसा यूज करना हो तो आपको इसे ऑन करना है। फिर है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, तो इस वॉच में आपको मिलता है एओडी का फीचर, तो आप हमेशा के लिए क्लॉक को यहां पे शो कर सकते हो। आपको टैप करना है, इसे ऑन करना है। आपको कौन सा स्टाइल चूज करना है, पॉइंटर या डिजिटल, तो आप यहां पे चूज कर सकते हो। मान लो मैंने किया पॉइंटर। इसके बाद टाइम भी आप यहां पे सेट कर सकते हो, ऑल डे हमेशा के लिए, या फिर टाइम आप अपने टाइम के हिसाब से सेट कर सकते हो कि मान लो सुबह के 8 से लेकर रात के 10 बजे तक मुझे सेट करना है, तो उसी टाइम के दौरान ये काम करेगा। अब कैसे शो करेगा तो आप देख सकते हो। तो ये है एओडी, आप देख सकते हो इस तरीके से शो करेगा, टाइम और डेट भी यहां पे शो करेगा। अगर आपने रखा है डिजिटल तो अब ऐसे शो करेगा। तो ये है डिजिटल, आप देख पा रहे हो, आपके स्टेप्स भी शो करते हैं एओडी पे, और टाइम और डेट। 1 घंटे अगर आप यूज करोगे एओडी तो 1% बैटरी ड्रेन होती है। अगर आप 1 दिन पूरा यूज करोगे एओडी को तो 24% बैटरी ड्रेन होगी केवल एओडी की वजह से। फिर है मेनू व्यू, तो आप दो तरीके से मेनू को शो कर सकते हो। एक तो होता है लिस्ट व्यू, लिस्ट व्यू ऐसे शो करेगा, आपको मेन मेनू में जाना है तो इस पे प्रेस कीजिए और ये है मेन मेनू, इसे कहते हैं लिस्ट व्यू। अगर आपको करना है ग्रिड तो ग्रिड में आपको इस तरीके से शो करेगा, ये है ग्रिड व्यू। फिर है क्यूआर कोड, तो ऐप को डाउनलोड करने के लिए इस कोड को आपको स्कैन करना है। हालांकि हमने नॉइस फिट ऐप को डाउनलोड कर लिया तो अब इसका काम नहीं है। इसके बाद है डिवाइस इन्फो, तो आप यहाँ पे मॉडल का नेम, मैक एड्रेस, वर्जन यहाँ पे चेक कर सकते हो। फिर आप अपनी वॉच को यहाँ से रिस्टार्ट कर सकते हो, स्विच ऑफ कर सकते हो, और यहाँ से आप इसे रिसेट भी कर सकते हो, सभी डेटा को क्लियर कर सकते हो एक बटन पे टैप करके। अब बात करते हैं शॉर्टकट्स की, तो होम पेज पे अगर आपको ऐसे में अगर आप स्वाइप करोगे लेफ्ट में, तो ये है एक्टिविटी पेज, ये है आज का डेटा, आज आपने कितनी किलो कैलोरी एनर्जी बर्न की है, कितने स्टेप्स आप चले हो, कितने मिनट के लिए आपने एक्टिविटी की है, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है, और कितनी बार आप खड़े थे स्टैंड अप, यहां पे शो करता है। इसके बाद है हार्ट रेट, तो आप यहां पे हार्ट रेट को मेजर कर सकते हो, आज का मैक्सिमम और मिनिमम कितना रहा है, और जितनी भी बार आपने मेजर किया यहां पे ग्राफ पे शो करता है टाइम वाइज, आप यहां पे चेक कर सकते हो। डॉट यहां पे शो करेंगे और ऊपर में जो भी आएगा आपका हार्ट रेट यहां पे शो करता है। फिर आगे है स्ट्रेस मेजरमेंट, तो आप यहां से स्ट्रेस को मेजर कर सकते हो, मैक्सिमम मिनिमम आज का कितना रहा है यहां पे शो करता है, और आपने अगर मेजर किया होगा आज तो कितने बजे मेजर किया था और कितना आया था, डॉट आपको यहां पे शो करेगा, और जो भी रिजल्ट आएगा आपको यहां पे ऊपर में शो करेगा। इसके बाद है SpO2, मतलब ब्लड ऑक्सीजन, तो आज का मैक्सिमम मिनिमम यहां पे शो करता है, अगर आपने मेजर किया होगा तो यहां पे शो करेगा डॉट, और अब कितना आएगा रिजल्ट यहां पे ऊपर में शो करेगा। इसके बाद है स्लीप डेटा, तो आपका स्लीप स्कोर यहां पे शो करता है, कितने घंटे आप सोए थे टोटल, कितने बजे आपको नींद लगी थी, कितने बजे आप जागे थे, डीप स्लीप, लाइट स्लीप, अवेक टाइम, रेम टाइम कैसा है, आपको यहां पे ग्राफ वाइज शो करता है। इसके बाद है म्यूजिक, तो आप अपने फोन का जो म्यूजिक है उसे अपनी वॉच से कंट्रोल कर सकते हो, हालांकि वॉच में म्यूजिक प्ले नहीं होगा, केवल आप कंट्रोल कर सकते हो फोन के म्यूजिक को, म्यूजिक प्ले होगा आपके फोन में, टैप कीजिए प्ले हुआ। नेक्स्ट, प्रीवियस, वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हो आप,
अब बात करते हैं मेन मेनू की, तो आप इस बटन पे प्रेस करके मेन मेनू को एक्सेस कर सकते हो। ये है मेन मेनू, इसमें पहला है नॉइस हेल्थ, इसमें आपको मिलेंगे अलग अलग ऑप्शंस। पहला है एक्टिविटी पेज जो हम देख चुके हैं, फिर है स्लीप डेटा, SPO2 और हार्ट रेट, और फिर है ब्रेथ वर्कआउट। तो आप यहां से ब्रीदिंग वर्कआउट कर सकते हो। आपको यहां पे टाइम सेट करना है, इसके बाद स्पीड आपको यहां पे सेट करनी है और करना है स्टार्ट। तो जैसे ये सर्कल छोटा होता है बड़ा होता है, उस तरीके से आपको सांस लेनी है छोड़नी है। एक्सेल मतलब अब सांस छोड़नी है लेनी है, सांस छोड़नी है, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। स्टॉप कीजिए इस तरीके से। फिर आगे है स्ट्रेस, ये भी हम देख चुके हैं, आप यहां से मेजर कर सकते हो। फिर है क्लॉक का ऑप्शन, तो आपको मिलेंगे तीन फीचर। पहला है अलार्म, तो जो भी अलार्म आपने ऐड किया है आपके ऐप में यहां पे शो करता है, आप यहां से उसे ऑन ऑफ भी कर सकते हो। जितना टाइम आपने सेट किया है उतना टाइम अगर आएगा, जब होगा तब आपकी वॉच में आएगा अलार्म रिमाइंडर वाइब्रेशन के साथ। इसके बाद यहां पे आप अलार्म को ऐड भी कर सकते हो, ऐड पे टैप कीजिए, टाइम सेट कीजिए। AM PM को चेंज करने के लिए आपको 12 के बाद करना पड़ेगा, 12 के बाद जाइए तो AM हो जाएगा, 12 के बाद आइए तो PM हो जाएगा। ऐसे आप टाइम सेट कर सकते हो, कौन से दिन के लिए आपको चाहिए अलार्म उन दिन को आप चूज कीजिए, फिर आपको टिक पे टैप करना है और इस तरीके से आप अलार्म को ऐड कर सकते हो। टैप करके आप उसे वापस चेंज कर सकते हो या आप यहां से उसे डिलीट भी कर सकते हो। आप एक साथ यहां पे 5 अलार्म को ऐड कर सकते हो। बैक जाइए आगे टाइमर, तो आप यहां पे 1 से 6 मिनट का जो टाइमर है उसे सेट कर सकते हो, या फिर कस्टम पे टैप करके आप मैक्सिमम 23 आवर 59 मिनट 59 सेकंड का जो टाइमर है सेट कर सकते हो, मतलब कि मैक्सिमम 24 आवर टैप कीजिए, इस तरीके से टाइमर स्टार्ट होगा। स्टॉप कीजिए, बैक आइए, फिर है स्टॉपवॉच, तो टैप कीजिए, स्टार्ट कीजिए, और यहाँ पे लैप का भी ऑप्शन है, आप लैप दे सकते हो एक साथ 20 लैप्स, और स्टॉप करने के लिए बैक, और फिर इसके बाद है वर्कआउट्स। तो यहां पे आपको मिलेंगे 30 वर्कआउट मोड, टैप कीजिए अलग अलग कैटेगरी में, रनिंग है, साइकिलिंग, इंडोर स्पोर्ट्स, आउटडोर स्पोर्ट्स, बॉल गेम्स, डांस स्पोर्ट्स, कॉम्बैट स्पोर्ट्स, अदर स्पोर्ट्स। मान लो मुझे अब स्टार्ट करना है रनिंग स्पोर्ट्स में से आउटडोर वॉकिंग को, तो मैं इस पर टैप करूंगा, गो पे टैप करूंगा, टैप कीजिए। कितना टाइम हुआ है, आपका हार्ट रेट कितना चल रहा है, किलो कैलोरी कितनी बर्न की है, स्वाइप अप कीजिए, डिस्टेंस कितना कवर किया आपने, प्रीवियस पेस आपकी कितनी थी, एवरेज पेस कितनी है, अभी फिलहाल पेस कितनी है, कैडेंस आपका कितना है, मतलब एक मिनट में आपने कितने स्टेप्स चले हैं, स्टेप्स कितने चले हो आप, इस तरीके से डेटा यहाँ पे शो करता है। और यहाँ पे म्यूजिक, और अगर आपको इसे एंड करना हुआ तो बटन पे प्रेस कीजिए और फ्लैग पे टैप कीजिए, इस तरीके से आप इसे एंड कर सकते हो। और जो भी आप यहाँ पे वर्कआउट करोगे, अगर आपको उसका रिकॉर्ड देखना हुआ तो आपको जाना है बैक और आपको मिलेगा स्पोर्ट्स रिकॉर्ड में, इस पे टैप कीजिए। जो भी आपने वर्कआउट किया अभी तक सब वर्कआउट यहाँ पे शो करेंगे, आपको जिसके बारे में देखना हुआ डिटेल में उस पर टैप कीजिए। तो कितने टाइम के लिए आपने किया था, स्टेप्स कितने चले थे आप, डिस्टेंस कितना कवर किया था, कैलोरी कितनी बर्न की थी, एवरेज स्पीड आपकी कितनी थी, एवरेज पेस आपका कितना था, मैक्सिमम पेस, मिनिमम पेस, एवरेज हार्ट रेट, मैक्सिमम हार्ट रेट और मिनिमम हार्ट रेट, यहाँ पे इतना सारा डेटा आपको शो करता है। फिर है वेदर, तो वेदर पे टैप कीजिए, अभी फिलहाल कितना वेदर चल रहा है, इसके अलावा आज का मिनिमम मैक्सिमम कितना रहेगा और वेदर फोरकास्ट कैसा रहेगा, मतलब रेन होगा, सनी या क्लाउडी। ऊपर में स्वाइप कीजिए तो अगले 4 दिन का वेदर आप देख सकते हो वेदर फोरकास्ट के साथ, मिनिमम मैक्सिमम यहाँ पे शो करता है। फिर है रिमाइंडर का ऑप्शन, तो जो भी रिमाइंडर आपने सेट किए हैं आपके ऐप में यहाँ पे शो करेंगे, टैप कीजिए, ये रहे आपके रिमाइंडर, कौन सी तारीख को कितने बजे आपने किया है उस रिमाइंडर को सेट, कौन सा रिमाइंडर है, टाइटल भी शो करता है। अगर ये टाइम आएगा तो आपको मिलेगा रिमाइंडर वाइब्रेशन के साथ आपकी वॉच के स्क्रीन पे। और मान लो आपको पहले से ही किसी को यहां से क्लियर करना हुआ तो आपको टिक पे टैप करना है और रिमाइंडर यहां से क्लियर हो जाएगा, अब आपको मिलेगा यहां पे केवल एक रिमाइंडर इस तरीके से। फिर है म्यूजिक का ऑप्शन, तो आप यहां से भी म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हो। फिर है वॉच फेसेस, आप यहां से भी चेंज कर सकते हो इस तरीके से, आपको मान लो इसे सेट करना है तो उस पर टैप कीजिए, या फिर आप लॉन्ग टैप करोगे और फिर इस तरीके से भी आप स्विच कर सकते हो वॉच फेस को। फिर है फ्लैशलाइट जो हम देख चुके हैं, और फिर है सेटिंग्स लास्ट में, ये भी हम देख चुके हैं। दोस्तों ये थे वो फीचर्स और सेटिंग्स जो आपको देखने मिलते हैं इस वॉच में, और ये था नॉइस कलर फिट विजन 2 का फुल सेटअप गाइड। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।